वेलकम टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी थेरम ऑफ पैरल एक्सिस ये जो थेरम ऑफ पैरल एक्सिस है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि रोटेशनल डायनामिक्स इस यूनिट के अंदर आता है तो जो थेरम ऑफ एक्सिस है इसको अगर हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करनी होती है जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पाइथागोरस थेरम क्या कहलाता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ऐसे मान लो कि वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता है मैं मान लेता हूं आप मत मानिए आप ऐसा मानिए कि ये चीजें हमें पता है हम ये कहते हैं कि ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है इसके क्या है कि ये जो थेरम होता है, थेरम एक यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया हुआ एक कंसेप्ट होता है जिसको किसी भी तरह का चैलेंज नहीं होता है जैसे कि पायथागोरस का हो गया का हो गया या तो अलग अलग जो मैथमेटिकल थेरम्स होते हैं उसी थेरम के अकॉर्डिंग हमारा पैरेलल एक्सिस थेरम है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया को एक महत्वपूर्ण सेंटेंस देता है जिससे कि हम लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये जो थेरम है वो थेरम बहुत ही हेल्प करता है तो गैस, स्टार्ट करते हैं थेरम ऑफ पैरल एक्सिस सबसे पहले थेरम ऑफ पैरल एक्सिस का प्रिंसिपल देखते हैं प्रिंसिपल बहुत ही ईजी है क्या है प्रिंसिपल द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू सम ऑफ मूमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस अब ये जो प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सेंटेंस में ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन का लेट अस सी विद इस डायग्राम ये वाली डायग्राम को देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है सेंटेंस सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मानो ऐसा मान लो कि ये जो एक्सिस आप लोगों को दिखाई दे रहा है एम ओ पी ये वाला जो एक्सिस दिखाई दे रहा है ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है ये वाला एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि ये वाला जो रिजिड बॉडी आप लोगों को दिख रहा है ये रिजिड वाला बॉडी इस एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम है आई ओ ये वाला हो गया इसको हम लोग अलग पेन से लिख लेते हैं चलो इसको हम लोग अलग वाला पेन से लिख लेते हैं ब्लू वाले पेन से आई ओ इज इक्वल टू यहां तक हो गया हम लोगों का कहां तक हो गया इज इक्वल टू सम ऑफ ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड बोले तो ये क्या है ये कहता है कि सम यानी एडिशन है किसका एडिशन सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट ये वाला एक्सिस देखिए ये वाला एक्सिस क्या बता रहा है हम लोगों को कि होल बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट एट दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट सी ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास क्या कहता है कि जो बॉडी का टोटल मास है टोटल मास मानो की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास और इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई सी लेटेज राइट डाउन इट इज द आई सी सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड किसका किसका समेन है वो देखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरल एक्सिस इसका मास होल बॉडी का मास हम नॉर्मली कैपिटल एम कंसीडर करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ इसका प्रोडक्ट यानी इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस ये दो जो पैरेलल एक्सिस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये वाला पैरेलल एक्सिस ये वाला पैरेलल एक्सिस ये दो पैरेलल एक्सिस में का डिस्टेंस उसका स्क्वायर दैट इज प्लस एम एच स्क्वाईसी प्लस एम एच स्क्वायर ये हो गया यहाँ पे ओके okay, चलो अब आगे देखते हैं अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहले ये वाली एक रिजिड बॉडी कंसीडर की जो रिजिड बॉडी हम लोगों ने कंसीडर की उस बॉडी का जो टोटल मास है मानो उसका टोटल मास है कैपिटल यम ये जो रिजिड बॉडी हम लोगों ने कंसिडर की है इस रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है वो है एम और ये जो रिजिड बॉडी है ये रिजिड बॉडी इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर ओ ये जो एक्सिस है ये एक्सिस जिस सेंटर से रोटेट हो रहा है ये बॉडी ये बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट दैट एक्सिस दैट इज सेंटर ओ जो एक्सिस सेंटर ओ से जा चुका है जो एक्सिस सेंटर ओ से पास हो चुका है उसके अराउंड हमारी रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है एंड ये जो एक्सिस है दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ये जो बॉडी है ये बॉडी इस प्लेन को परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ये बॉडी कैसी है ये बॉडी ऐसी है ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसके नीचे ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन जा चुका है दैट मींस इट इज अ परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन ऑफ पेपर फिर ये जो आईओ है आई ओ क्या है ये वाला आई ओ ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी बॉडी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक पैरेलल एक्सिस निकाला हम लोगों ने ये जो पैरल एक्सिस है ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर को दैट इज नो डाउट आउट नो डाउट ओके और ये जो परपेंडिकुलर निकाल सॉरी ये जो पैरल एक्सिस जो हम लोगों ने निकाला है ये पैरल एक्सिस सी के थ्रू पास हो रहा है इस बॉडी के अंदर ये जो पैरल एक्सिस है ये पैरल एक्सिस पासिस पासिंग हो रहा है किसके अंदर से पास हो रहा है पॉइंट सी से और पॉइंट सी क्या है Point C it is the center of mass of the body and this IC is the moment of inertia और ये वाला जो IC kya क्या है ये moment of inertia hai है okay अब इसके बाद क्या है कि हम लोगों को इस डायग्राम ने कुछ ऑलरेडी बताया है क्या बताया कि ये जो ओ सी है द डिस्टेंस between दीज टू parallel एक्सीज इट इज अ एच इट इज अ ये और ये हम लोगों को प्रूफ करना है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो प्रूफ क्या होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया चलो इस डायग्राम को हम लोग क्या कर लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा डाउनवर्ड पुशअप कर लेते हैं पुश डाउन कर लेते हैं इसको ओके यानी हम लोगों को समझ में आ जाएगा देखो ओके जस्ट अ मोमेंट गाइज इसको हम लोग इधर इसको हम लोग इधर ले, ले लेते हैं इसको वापस इसकी जगह भेज देते हैं ओके ठीक है चलो अब ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि ये वाला जो स्मॉल एलिमेंट है मतलब ये होल बॉडी जो है इसमें का मामूली सा छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया उसको नाम दे दिया हम लोगों ने डी क्या नाम दे दिया उसको हम लोगों ने डी नाम दे दिया और ये जो डीएम है दिस डीएम इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट डी ये कहाँ पे सिचुएटेड किया हम लोगों ने पॉइंट डी के ऊपर सिचुएटेड किया और क्या ज्वाइन किया ओडी ज्वाइन किया ओ एन ज्वाइन किया और ये डी एन ज्वाइन कर लिया चलो इसको तो हम लोगों ने यहां से इतना क्लियर कर दिया अब आगे अब हम लोगों को क्या पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इन ए जनरल लैंग्वेज में अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन अगर कहलाते हैं बतलाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सिंपल समेशन है अल्जेब्रिक समेशन होता है किसका किसका अलजेब्रिक समेशन होता है ये अल्जेब्रिक समेशन होता है मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का होता है ये क्या होता है सिंपल सा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज़ नथिंग बट दी मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हम लोगों को क्या करना है पहले ए सी बी वाला ढूंढते हैं ये वाला ए सी बी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट डी क्योंकि हम लोगों का मास यहाँ पे है ये वाला इतना डिस्टेंस है ये वाला इतना डिस्टेंस है तो क्या होगा मूमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई सी आई सी लिख लिया हम लोगों ने इंटीग्रेट इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ये छोटा सा डीएम लिया है अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो होल बॉडी का आ जाएगा इसलिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे इंटीग्रेट ले लिया ठीक है उसके बाद डिस्टेंस कितना है डीएम का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये वाले वो है सी डी दट इज द स्क्वायर ये हो गया आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीसी स्क्वायर इंटू डीएम सिमिलरली ये वाला फाइंड आउट करो ये वाला फाइंड आउट करो क्या है डिस्टेंस ये डिस्टेंस ओडी है ओके okay, डिस्टेंस क्या है ओडी है ठीक है मास कितना है डी एम तो क्या होगा इसका दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वायर इंटू डीएम डी ओ स्क्र इंटू डी एम अब अब ये जो डी ओ स्क्वायर है ये वाला ये वाला जो डी ओ स्क्वायर है ये वाला अगर हम बी क्लियरली इसी डायग्राम का ये वाला पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है लुक लाइक दैट हियर ओके ये एक ट्रैंगल बन गया कौन सा वाला ट्रैंगल है राइट एंगल वाला ट्रैंगल है तो राइट एंगल वाला ट्रैंगल है तो इसको हाईप इसको जो पाइथागोरस का प्रमेय है पाइथागोरस का जो थेरम आता है उस थेरम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है थेरम that is hypotenuse square is equal to side one square plus side two square. तो हम लोग ये वाला जो DO ओ है इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं That is according to that Pythagoras theorem. यहाँ पे लिख लेते हैं Triangle कैसा है हमारा ये वाला ऐसा triangle है हमारा Okay, ऐसा वाला triangle है हमारा यहाँ पे क्या था O D, sorry, O N और ये था D. तो हम लोग क्या करेंगे ये डी ओ स्क्वायर ये हो गया हाइपोटेनस इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर ओके इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हंड्रेड परसेंट इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो डी ओ है ये डी ओ को रिप्लेस कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे डी एन प्लस एन ओ स्क्वायर लुक लाइक दैट डी एन प्लस एन ओ स्क्वायर अब जब हम लोग एन ओ स्क्वायर को देखेंगे ये वाले एन ओ स्क्वायर को देखेंगे तो ये एन ओ जो है हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है कहाँ कहाँ बटा हुआ है एक एन सी और दूसरा सी ओ एक है एन सी दूसरा है सी ओ तो फिर इस एन ओ को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या एन ओ इज इक्वल टू एन सी प्लस सी ओ वाई नॉट लिख सकते हैं तो हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया एन सी प्लस सी ओ के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया ठीक है अब ये वाला जो आपका ये जो वाला एन सी प्लस सी ओ स्क्वायर है ये वाला क्या है ये वाला सिंपल हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे आप ए प्लस बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं मतलब उसका फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मानो एन सी क्या है ए है इसको हम लोग अलग कलम से लिखते हैं ओके okay. मानो ये ए है और ये बी है तो क्या हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा एन सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए बी मीन्स ट्वाइस एन सी प्लस एन सी इंटू सीओ नॉट प्लस एन सी इंटू सी ओ प्लस बी स्क्वायर बी क्या है सी ओ स्क्वायर है तो हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया अब जैसे कि हम लोगों ने जो पाइथागोरस का थेरम है वो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था लुक लाइक दैट ये ट्रायंगल को अप्लाई किया था सिमिलरली हम लोग ये वाले ट्रायंगल को भी अप्लाई कर सकते हैं हाँ जरूर कर सकते हैं ये वाले ट्रायंगल से क्या हो गया ये वाला ट्रायंगल क्या बताएगा हम लोगों को कि ये वाला ट्रायंगल देखो कौन सा वाला ट्रायंगल इसको हम लोग साइड में सेपरेटली लिख लेंगे लुक लाइक दैट ही वाला ट्रैंगल ऐसा ये छोटा वाला ट्रैंगल सी एन सॉरी इट्स डी हो गया सी एन डी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा दैट इज सी डी स्क्वायर ये हो गया आपका सी एन स्क्वायर और ये हो गया डी एन स्क्वायर ठीक है तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे सी डी स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे ठीक है तो हमारे जो सेंटेंस है ये वाला जो हमारा इक्वेशन है इसके अंदर डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर है हाँ है कहाँ है ये डी एन स्क्वायर और ये एन सी स्क्वायर डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर तो इसके बदले हम लोग सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं हाँ जरूर लिख सकते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे सी डी स्क्वायर लिख दिया तो ये हो गया सी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन सी डॉट सी ओ एज इट इज लिख दिया प्लस सी ओ स्क्वायर ठीक है अब यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है हंड्रेड एंड वन परसेंट यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो डीएम है ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है हर किसी के साथ ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है हर किसी के <laughs> सॉरी हर किसी के साथ तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन सी डी स्क्वांशन ट्वाइस एन सी सीओ इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन सीओ स्क् तो हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है इंटीग्रेशन सी डी स्क्वा देखो ये वाला इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर डीएम क्या है आईसी है ये आई सी यहां पर हम लोगों ने लिख लिया आई सी ठीक है एन सी क्या है एन सी इट इज द नथिंग बट द डिट एन सी नहीं सॉरी ओ सी ओ सी एन सी नहीं ओ सी ओके गलती हो गई सॉरी ये जो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर ये जो ओ सी है ये ओ सी को देखते हैं ओ सी क्या है दट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है उसके अंदर का क्या है वो एच है तो ये जो ओ सी है इस ओ सी को रिप्लेस कर लेते हैं हम यद से ये टू को बाहर ले लेंगे ये हो गया टू एच क्या हो गया टू एच इंटीग्रेशन ऑफ एन सी टू डीएम प्लस सीओ स्क्ट इज ऑल्सो एच इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो इसके अंदर क्या है हम लोगों ने पहले बताया था कि ये जो DM है ना DM क्या है स्मॉल एलिमेंट है बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा इस टोटल रिजिड बॉडी का मास मिलेगा तो टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी कितना कंसिडर कर रखे हैं हम लोग पहले ही इट इज द कैपिटल यम दैट मींस इट इज रिप्लेसड बाई द यम और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम है ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम है इसके अंदर का जो एन सी है लुक एट द डायग्राम इसके अंदर का ये जो एन सी है ये वाला डिस्टेंस एन सी डिस्टेंस कहाँ का है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के पॉइंट का डिस्टेंस है और ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिमेट्रिक के अबाउट सेंटर ऑफ मास के तो ये सिंपली क्या होता है इट इज अ जीरो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ एन सी डी एम इज इक्वल टू जीरो इट इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं हम लोग इसको सो so, ये हो गया जीरो फिर यहां पे क्या हो गया ये एन सी इंटू डी एम इंटीग्रेशन जीरो आ गया ये टू एच आ गया और अगर हम लोगों को पता है जीरो से अगर हम लोग किसी को भी मल्टीप्लाई सॉरी करते हैं तो इक्वेशन क्या आएगा जीरो ही आएगा सो so, ये ज़ीरो हो गया क्या बचा आई सी प्लस एच स्क्वायर एम को मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया एम एच स्क्वायर और ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ द पैरेलल एक्सिस थेरम स्टेटमेंट क्या था स्टेटमेंट देखो क्या था स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ये बराबर है या नहीं ये फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट क्या था द मोमेंट ऑफ इनर्शिया

मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास आई सी क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट है एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस दो पैरेलल एक्सिस के डिस्टेंस का स्क्वायर दो पैरेलल एक्सिस के डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है एच है डिस्टेंस उसका स्क्वायर एच स्क्वायर ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस का तेराम आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा प्लीज कमेंट्स करो और इसको शेयर करो थैंक यू सो मच